जो हमें ये लगता है कि यहाँ तथाकथित कुछ जातियां राज कर रही हैं अपनी ताकत और बुद्धिमत्ता के सहारे। साथियों, जब मुगलों का राज था तो राज तो मुगलों का ही था, तब कौन प्रताड़ित हो रहा था? सभी हो रहे थे, सभी में ये भी हो रहे थे। हाँ, कुछ लोग ऐसे थे जो सत्ता से मिल गए थे और उनका शायद सुख मिल गया होगा, लेकिन उनकी भी अधिकतर समुदाय की जो संख्या है पीड़ित रही है। फिर अंग्रेज आ गए, वो शासक रहे। मैं शासक बोल रहा हूं तो आप समझिए, उस वक्त और सभी जातियां जो आज हमें बहुत बड़ी वो लगती हैं, उन सब के साथ क्या हुआ था। लेकिन जब 15 अगस्त 1947 को ये देश आजाद हो गया, तो उन्होंने जितनी अपनी कमियां थी, जितनी आप इतिहास में पढ़ लेंगे उन सब कमियों को, किस तरह से मुगल सत्ता से उन्होंने अपना सामंजस्य बनाए रखा, अपनी इज्जत को दांव पे लगा, लेकिन जैसे ही देश आजाद हुआ वो खड़े हो गए सीना तान के और कहने लगे, हम वीर हैं, हम बहादुर हैं, हम शौर्यशाली हैं। और कोई छोटी सी घटना भी अगर रही तो उन्होंने बड़े सम्मान से उसको बढ़ा के बताया, ये अच्छी बात है, ये कोई बुरी बात नहीं है। इससे उनकी नौजवान कौमों में हौसला आया। जब उनकी बच्चियां कॉलेज में जाती हैं तो गर्व से कहती हैं कि हम उस जाति की हैं। जब उनके बच्चे लड़के कॉलेज जाते हैं तो वो कॉलेज से एंट्री करते बड़े कॉन्फिडेंस से, ऐसे छाती चौड़ी करके, हम तो उनके शूरवीरों की संतान हैं। वो कभी भी अपने उस बुरे समय को बार बार उद्घाटित नहीं करते, बार बार प्रचारित नहीं करते। क्यों? क्योंकि साथियों, उससे हौसला डाउन होता है। ये कुछ देखो, आप लोग तो बहादुर हो जो आज समय निकाल के आए हो, ये आपको तो लगभग पता ही है, पर आप देखिए, मैं भी जब पहली बार कॉलेज में गया था, श्री राम कॉलेज ऑफ कॉमर्स में, तो बड़ी समस्याएं आती हैं। आज के हम बच्चों से मिल रहे हैं, आज हम प्रोफेसर वहाँ पढ़ाते हैं। जब लड़कियां कॉलेज में आती हैं, जब नौजवान बच्चे कॉलेज में जाते हैं, तो पहले दिन इंट्रोडक्शन हो, क्या नाम है, अच्छा सरनेम क्या है, क्या कास्ट है। आप सोचिए किस तरह की मानसिक पीड़ा से उनको गुजरना पड़ता है। तो हम क्या दें जिससे वो भी कॉन्फिडेंस के साथ जाए, अपनी सिर्फ सकारात्मक बातों को हम उद्घाटित करें। ज्यादा जो बुरी है उनको भी हमें याद रखना है, लेकिन समाज में प्रचारित प्रसारित करें अपनी ताकत के अभिव्यक्ति को, शौर्य के अभिव्यक्ति को। आपके बहुत बहादुर पूर्वज रहे हैं, बहुत बहादुर घटनाएं आज भी हो रही हैं, और जो शानदार गाना गया, किस तरह से हमारी महिलाएं निकल के आ रही हैं, जो चैलेंज दे रही हैं, तो क्या हमें इसको प्रचारित नहीं करना चाहिए? आप ऐसे गानों को अपने व्हाट्सएप पे उनको फैलाओ, फेसबुक पे फैलाओ, इन गानों को याद कर लो, इन लाइनों को याद करो, अपने कार में ही सीडी रखो, चलाओ, ये आपको हौसला देगा। मैं पंजाब में मेरी पीएचडी के दौरान गया था, मेरी पीएचडी सतगुरु रविदास महाराज जी पे ही है, हालांकि मैं पढ़ाता इकोनॉमिक्स हूँ, मैं असिस्टेंट प्रोफेसर हूँ इकोनॉमिक्स में, दरअसल दो सब्जेक्ट में हमें है, दोनों में नेट है, दोनों में ही ज़ियारत है। तो पीएचडी हमारे गुरु महाराज भी की, इस बीच मुझे पंजाब जाने का मौका मिला, तो आप देखो वहाँ मैं कुछ लोगों से मिला, उन्होंने क्या बताया कि ग्रीन रेवोल्यूशन, हरित क्रांति जो हम कहते हैं, हरित क्रांति से पहले जाट समुदाय की बड़ी तकलीफें रही, क्योंकि मानसून पर निर्भर रहना होता है, और इंडियन जो एग्रीकल्चर, इट इज गैम्बल ऑफ मानसून, ये तो मानसून के ऊपर डिपेंड, आगे तो अच्छा होगा नहीं तो खराब। अधिकतर लोग गरीबी से और इस तरह से पीड़ित थे। कुछ गाने भी हैं, जट्टा दी जून बुढ़ी रड़क रड़क मर जाना, बब्बू मान का गाना है, वो अभी बताते हैं बात, लेकिन ग्रीन रेगुलेशन से पानी पहुंचा, उसके बाद फसलें आई, वो बिकनी स्टोर पैसा आया, उसके बाद वहाँ के गायक और गायिकाओं ने उस कौम को, साथियों बड़े ध्यान से सुनो, जब आप लोगों ने हमें बुलाया है तो कुछ तो सोच समझ के बुलाया है, हम कुछ अच्छी बातें ही बताएंगे। तो ये बड़ी महत्वपूर्ण बात हमारे भाई उमा सुंदर गायक, उन्होंने ही बताई, बोला कि संपत्ति आ गई, गाड़ियां आ गई जाट समुदाय के पास, जट उनको पंजाब बोलते हैं, लेकिन उनको प्रचारित प्रसारित किया गायक गायिकाओं ने, वो जो ताकत की जो अभिव्यक्ति है, हर गाने में जाट की बात, हर उसकी और रॉयलनेस की बात। तो साथियों, जैसे गाना है, इसमें दो बाउंसर आपने देखे, अभिव्यक्ति देखे, गाड़ी से उतरे, गॉगल्स पहने, ये आप चीज़ों को उनको बढ़ाना चाहिए। मुझे खुशी है, बहुत अच्छा आप लोगों ने संग मित्रा जी गाना बनाया, बहुत साधुआ,
तो साथियों, जो आपके पास ताकत है, हम सब के किस्से रहे हैं, हमने बहुत बहादुरी की, मैं खुद ने बहुत बहादुरी की है। अभी एक पोस्ट फेसबुक पे डाली थी मेरे फादर साहब की, और मेरी भी आएंगी। ऐसी अनेक घटना है साथियों, हम तो हमेशा शेरों की तरह रहे, आप भी ऐसे ही रहे होंगे, पर कहां उनको प्रचारित प्रसारित कर पाते हैं, कहां हम हमारे वीरों की वीरांगनाओं की कहानियों को हम गाते हैं। तो आप जरा एक तो उस नजरिए से मैं आपसे कहना चाहता हूँ, उसको बढ़ाएं थोड़ा सा। और जब एक घटना और याद आ जाती है, जो कहा जाता है कि महाराष्ट्र के पेशवाई समुदाय में गले में हांडी लटका दी, पीछे झाड़ू। साथियों देखो, ये हमेशा नहीं रहा, और ये एक काल की थोड़े से समय की घटना है। आप जो उत्तर भारत में अपने अपने दादा दादी नाना नानी से पूछो, रिसर्च में हमें बताया जाता है कैसे करना है, आप पूछो क्या ऐसी प्रथा यहाँ थी, नहीं थी। महाराष्ट्र में मैं गया हूँ, वहां भी कुछ समय के लिए कुछ क्षेत्र में रही है, लेकिन उसी को वीडियो बना के। और हमारे तो ये साथियों, थोड़ा सा इसमें हम बदलाव करेंगे तो ज्यादा बेहतर रहेगा। जब सतगुरु रविदास महाराज जी पे PhD स्टार्ट की, तो मुझे भी ऐसा ही लगता था, हाँ सामान्य एक संत हैं और अच्छे भजन गाते हैं। लेकिन जब PhD करी, तो मैं आपको बताना चाहता हूँ कि वो उस वक्त के एक बहुत बड़े अमीर फैमिली का, रिच फैमिली, बहुत बड़ा चर्म उद्योग था, बिजनेस था, इंडस्ट्री थी। कुछ साथी कहेंगे कि ऐसा तो स्थिति में नहीं लगता। साथियों ये बताओ, कोई कितनी अच्छी बातें कहें, अगर वो मोची है किसी बस स्टैंड और रेलवे स्टेशन पे, कितनी अच्छी बातें कहें, कौन सुन लेगा, कौन मान लेगा, कौन उन पे PhD करेगा, कौन गाने बनाएगा। हाँ, ये नहीं कह रहा हूं कि सारे ही जो चर्म कार्य चमार थे वो सब अमीर थे, कुछ अमीर थे कुछ गरीब भी थे। तो साथियों ये तो आज भी किसी भी जाति को उठा लीजिए, आप ब्राह्मण समाज को देख लीजिए, राजपूत समाज को देख लीजिए, अमीर भी हैं तो कुछ आपको गरीब भी मिल जाएंगे। एक ही काल में दो तरह के लोग आपको मिल जाएंगे। एक हमारा कोई गरीब भाई गांव में हो सकता है, जिसको 200 रुपए की दिहाड़ी के लिए परेशान होना पड़े, लेकिन दूसरा भाई हमारा मर्सिडीज और BMW में चलता है। तो एक ही समय में दो तरह की प्रवृत्तियां होती हैं, आपको ये देखना होगा, समझना होगा। और चूंकि आज तो मेरी PhD पे बात नहीं है, मैं चाहूंगा किसी दिन सतगुरु रविदास महाराज जी पे एक आप प्रोग्राम रखो, मैं पूरी डिटेल आपको बताना चाहता हूँ, जिससे कि हमारा हौसला बढ़ेगा। वो उस वक्त के 52 राजा रानी उनके शिष्य बने, अरे राजपूत समाज उनको सम्मान देना, ब्राह्मण समाज कंधों पे उठा के वाराणसी में शोभा यात्रा निकालता है। ये ऐसे नहीं समझ में आती, ये बात ऐसे समझ में आएगी। आप क्या ऐसा करोगे कि ब्राह्मण समाज आपको इतना सम्मान दे, क्या ऐसा करोगे कि एक राजपूत महारानी राजस्थान से चल के और वाराणसी, जिसको काशी बनारसी बोलते हैं, वहां आती है, आपके पैर छूते हैं। तो ये क्या है, ये कैसे समाज की संरचना है जहां सद्गुणों को, सच्चे गुणों को सम्मान दिया जा रहा है, पर किस तरह से आप वो बातें रखेंगे। तो उन्होंने रखी है सतगुरु रविदास महाराज, 52 राजा रानी शिष्य बने, अरब कंट्रीज तक घूमने गए, पूरे देश दुनिया में गए, लेकिन ये चीजें हमारे सामने नहीं है। तो रिसर्च के तौर पर किस दिन हम बैठेंगे, इन पे बात करेंगे। दूसरी बात साथियों, अभी आप मुझे बताओ, ये आप अपने घर पे जाके बच्चों से, आपके रिश्तेदारी से प्रश्न कर सकते हैं कि आज हम दिल्ली में हम कोई पढ़ाई कर रहे हैं, भाई कौन हमें रोक रहा है, किसने हमारे ऊपर बंदूक लगा रखी है कि हम खूब पढ़ाई ना करें। मैं कॉलेज में पढ़ाता हूँ, देखता हूँ बच्चों को, हम कह कह के थक जाते हैं, पढ़ो बेटा, गरीब मौका मिला पढ़ने का, अब एक ही टीचर, एक ही छत, एक ही बेंच, एक ही कॉलेज है, फिर क्यों नहीं पढ़ते, कौन रोक रहा है। और आप जो भी काम करते हो साथियों, उसमें आप अपना लेवल एकदम टॉप पे ले जाओ, प्रोफेशनलिज्म लेके आओ। मैं देखता हूँ हमारे समाज में अभी प्रोफेशनलिज्म नहीं है, छोटी सी बात पे ईगो आ जाता है। तो साथियों, अभी जब तक आप दुनिया पर राज नहीं कर रहे हो, तब तक आप किसी भी प्रकार की ईगो मत पालिए। हाँ, विरोध होंगे, टकराव होते हैं, हमारे साथ भी हुए हैं, तो बैठ के आप बात करो, बात करना बेहद जरूरी है। एक साथियों, अब मैं शाहरुख में बात करना चाहूंगा, क्योंकि इशारा मिल गया है। मैं अगर आपसे प्रश्न, उस पर सोचना है, अगर मैं आपको कहूं कि आपकी जनसंख्या मात्र 3.5% है, आप इस देश में कैसे जियो, मुझे बताओ। पूरे देश में 3.5, आपको तो कॉलेज जाते डर लगेगा, कोई पीट न दे, और कुछ गरीब लोग हैं तो चक्कू मार दे, पता नहीं क्या।
कैसे आप अपनी कौम की रक्षा करेंगे जब आपकी संख्या 3.5% हो। अब हालांकि आपकी संख्या ज्यादा है और आपने अपनी ताकत का एहसास कर भी रहे हैं और 2 अप्रैल को वो आपने झटका दिखाया, लेकिन इस सोच समझ के अगर आपकी जनसंख्या मात्र 3.5 हो तो आप कैसे सर्वाइव करते, इस पर विचारेंगे। सब रास्ते खुलते आपको देखेंगे कि कैसे इस देश पर राज होता है। फिर साथियों, इस देश में जो भी चीज है, जब एज लॉन्ग एज वी आर सिटीजन ऑफ दिस कंट्री, जो भी चीज है तो उसमें सब पे हमारा हक है। वो डॉक्टर सुधांशु कुमार हैं विश्वविद्यालय में, वो भाषण देते हैं कि कोई जो हम कहते हैं प्राइवेट सेक्टर है, कोई प्राइवेट सेक्टर नहीं है, आपका हक है उन पे, जिन रिसोर्सेज पे, जिस जमीन पे वो बना रहे हैं वो तो इस देश की है ना, आप उन सब्सिडाइज रेट पे सारी चीजों पे आपका अपना हक मांगिए। ऐसे ही मैं बात को दूसरे स्तर पे ले जाऊं, राजनीतिक पार्टियां, ऐसे ही आप राजनीतिक पार्टियों को देखें, सारी राजनीतिक पार्टियां सब में आपका हिस्सा होना चाहिए, आपके अच्छे लोग, पढ़े लिखे लोग, समझदार लोग, वो सब पार्टियों में जाए, नहीं जाओगे तो पता क्या होगा, आपके ही समाज का कोई नालायक व्यक्ति वो जाएगा, क्यों, सीट तो भरनी है। आप अपने अच्छे लोगों को सभी जगह भेजिए, अपना हक मांगिए, अपने हक हक जरूर मांगिए। चिंतन का एक क्रम आप जरूर निर्धारित कीजिए, विचार का, हम बहुत प्रबुद्धशील हैं जो यहां आए हैं साथी, लेकिन साथियों चिंतन की एक प्रक्रिया है, पहले व्यक्तिगत, आप देखिए क्या जिस भी फील्ड में, आप बैंक में हैं, आप टीचर हैं, प्रोफेसर हैं, आप डॉक्टर हैं, आप कारपेंटर हैं, आप मोची हो, कुछ भी, क्या उसमें आप बेहतर परफॉर्म कर रहे हैं, क्या आपकी स्किल एकदम टॉप लेवल की है, अगर है तो फिर आपका फर्ज है अपने परिवार को देखना, आपके परिवार में आपका भाई, आपका बहन, उसको भी आप कामयाब कीजिए। ये नहीं, मैं कई बार देखता हूं परिवार चिंतन हमारे यहां से गायब हो गया है, माँ बाप कह रहे बेटा कहां जा रहे, मैं समाज की सेवा में जा रहा हूं, तो माँ बाप को इग्नोर कर रहे हैं, भाई बहन को इग्नोर कर रहे हैं। साथियों कल्पना कीजिए, मैं भी ऐसे ही चल पड़ूं, ये साथी भी चल पड़े, आप भी चल पड़े, हम अपने घर वालों को छोड़कर समाज सुधारने चले, पर मेरे लिए मेरा परिवार परिवार नहीं है, आप सबका परिवार समाज है, उसके लिए काम करने निकला हूं। साथियों सुनते भी रहे जरा, मेरी एक रिक्वेस्ट है, सुनते भी रहे। तो हम जब अपने घर से निकलते हैं माँ बाप को, भाई बहन को ये कह के कि नहीं समाज के लिए निकल रहे, तो साथियों कौन सा वो समाज, मेरे लिए समाज आप हो सकते हैं, आपके लिए मेरा परिवार भी, तो अंततः रिजल्ट क्या है, हम सब एक समाज है, एक परिवार है। तो पारिवारिक चिंतन आप देखिए, उसके बाद अपनी कौम, समाज, देश और विश्व की बात करें तो इस चीज पे आप चिंतन कर्म को बढ़ाएंगे। अंतिम बात, कल JNU में बाबा साहब के इकोनॉमिक थॉट पे नेशनल सेमिनार है, बाबा साहब का सामाजिक और राजनीतिक हम बहुत जानते हैं, संविधान बनाया, आंदोलन किए, वो सब हम जानते हैं, पर उनका जो आर्थिक चिंतन, इकोनॉमिक थॉट, वो नहीं लोग जानते हैं। तो उस पर एक नेशनल सेमिनार है, पूरे दिन का है, मैं भी उसमें एक ऑफिशियल स्पीकर हूँ, आप आइए, बहुत अच्छा वो सेमिनार होने जा रहा है, सिर्फ और सिर्फ बाबा साहब का इकोनॉमिक्स, आर्थिक जो पक्ष से बात हो, अच्छे अच्छे स्पीकर्स आ रहे हैं, और आप जो भी आ सकते हैं, जितने भी आ सकते हैं, फ्री एंट्री है, भोजन की व्यवस्था है, अच्छा लंच है, IT है, सब कुछ फ्री है। मैं आपसे रिक्वेस्ट करूँगा अगर समय हो तो आप कल जरूर आइए, JNU में है, और आप लोगों ने बहुत अच्छा प्रोग्राम किया है, बहुत सी बातें थी पर सार रूप में कही हैं, समय जिस उम्मीद में आए थे वो नहीं हो पाया, पर खैर कोई बात नहीं, आप समझदार हैं, समझदार को इशारा ही काफी है। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद, जय भीम, जय गुरुदेव, नमो बुद्धाय, और हम उन सवारे पूर्वजों को सभी को नमन करो जिनको हम जानते या नहीं जानते लेकिन जिनकी वजह से आज हम यहाँ जिंदा हैं, तो मैं सभी को नमन करता हूँ और आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद करता हूँ। अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब करें और घंटी का बटन बिल्कुल भी दबाना ना भूलें ताकि सभी लेटेस्ट खबरें पहुंच सकें आप पे सबसे पहले।